in every equipment on the ball footing level during the first and the second wave. And that's why I remember that the things were purchased and every bed is having ventilator. 200 beds are here and more than 80 ventilators they are having in this hospital. And you से अबव है तो आप नॉर्मल है, लेकिन अगर 90 से आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है तो आपको हॉस्पिटल से बचने की जरूरत है ताकि आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाए और आप कोविड 19 से रिकवर कर पाए। आपने इतनी जो बोली थी प्रबंध यहाँ पे कहेंगे मॉक ड्रिल जो इस बार जो पूरे हिंदुस्तान में सारे हॉस्पिटल में मनाई जा रही है एज पर डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी के डायरेक्शन पे उनकी मीटिंग्स हमने जो उन्होंने हमारे दी है, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जो हमारी प्रिंसिपल हैं जीएमसी की, उनके डायरेक्शन पे आज सुबह 27 तारीख को 9 बजे से हमने मॉक ड्रिल शुरू की है, जिसमें हमने मेनली हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं गांधीनगर में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, 1200 LPM का एक है और 2000 LPM के हैं, जो कि हमारी सेंट्रल सप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन 200 बेड पे सब पे जाती है, उनको हमने फंक्शनल करना है सुबह से लेकर शाम तक और हर एक घंटे बाद उसकी प्योरिटी चेक करनी है ऑक्सीजन की कितनी है और वो हमने वेबसाइट पे अपलोड करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके अलावा जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर है, जितनी भी मैन पावर है, उनका सारा डिटेल्ड वेबसाइट पर हमें अपलोड करना है। इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK देखेंगे कि कितने गैप्स हैं इंस्टीट्यूशंस में और कौन कौन से गैप्स को फिल कर सकते हैं और कैसे हम कोविड को पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो किस तरह बेड वगैरह कितने और स्टाफ के कितने? हमारे पास 200 बेड हैं पूरे इस समय, पर यह है कि इस समय हमने 70-30 में डिवाइड किया। 70% हमारे नॉन कोविड बेड हैं और बाकी हमने थर्ड फ्लोर जो रखा है हमने कोविड का रखा है, जिसमें 64 बेड है जिसको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं 80 बेड्स पे, और हमारे जो नॉन कोविड बेड्स हैं आज की डेट में 90 के करीब एडमिशन वहाँ पे है। हमारे सीजेरियन सेक्शन नॉर्मल डिलीवरीज मदर्स की हो रही हैं, थिएटर्स वहाँ पे 4 थिएटर्स अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा निकू फंक्शनल है पूरा, पिकू हमारा फंक्शनल है, न्यूनेट्स हमारे पास 40 के करीब एडमिट है और ये अगर कोई कोविड केसेस आते हैं तो जैसे अगर वो इंक्रीज होंगे तो हम नॉन कोविड को कम कर सकते हैं। स्टाफ की कम? स्टाफ हमारे पास प्रेजेंट एडुकेट है, एज पर रिक्वायरमेंट अगर ये 200 बेड पूरे फंक्शनल करेंगे तो हमारा स्टाफ जो मेडिकल कॉलेज है हमें ओवर हाउस में दे दिया जाएगा। सर क्या मैसेज रहेगा लोगों को, पब्लिक को? मैसेज यही है मेरा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपना के रखें, मास्क को आप दोबारा से पहन लें, दूरी बना के रखें, भीड़ भड़के में ना जाएं, ऐसे इलाकों में जहाँ पे रश है बहुत ज़्यादा, सिनेमा थिएटर्स में, पार्टीज़ में, न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट ना करें, घरों में ही रहें, अपने घर में ही पार्टी सेलिब्रेट करें और बूढ़ों को और बच्चों को जो है बचा के रखें, उनसे ज़्यादा प्यार ना करें ताकि आप उनको इन्फेक्शन दे सकूँ।